तो यार यहाँ पर देखिए हमारी जितनी भी मित्र बीएड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में है या फिर बीटीसी किसी भी सेमेस्टर में है या फिर डीएलएड या फिर पास आउट हो चुके हैं लेकिन सीटेट अभी तक उन्होंने नहीं दिया है तो उनके लिए बेहतरीन मौका आ चुका है। यहाँ पर देखिए सीटेट का जो फॉर्म है आपका वो आ चुका है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है मेरे मित्र यहाँ। तो यार यहाँ पर देखिए 27 अप्रैल 2023 से आपका जो है शुरू हो जाएगा, आपका जो ऑनलाइन होना वो शुरू हो जाएगा 27 अप्रैल से, यहाँ पर आपको दिख रहा है। और आपका जो है 26 मई 2023 तक दोपहर 12 बजे तक जो है आपका जो ये चलने वाला है, आपका ये ऑनलाइन होगा, ठीक है मेरे मित्र। और जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो आपका जुलाई में, जुलाई के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब जुलाई में आपका क्लियर हो जाएगा, या तो फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, मतलब जुलाई में ही आपका जो है एग्ज़ाम डेट आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर आप सिंगल पेपर यानी केवल प्राइमरी के लिए या मिडिल के लिए डालना चाहते हैं तो आपका 1000 रुपये लगेगा, और अगर आप दोनों पेपर डालना चाहते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। तो 200 रुपये सब लोग नहीं देखते, सब अक्सर दोनों पेपर यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों डाल देते हैं, ठीक है। अगर आप SC ST PH हैं तो आपको जो केवल 600 रुपये लगेंगे, आप जनरल OBC EWS तो आपको 1200 रुपये दोनों पेपर के लगेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो यार पहले सिलेबस जानने से पहले जान लेते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये जो है एग्ज़ाम आपका 2.5 घंटे का होगा, ये 20 भाषाओं में आपका हो सकता है, अगर आप चाहें तो कोई सी भाषा चूज कर सकते हैं। 150 मार्क्स का पेपर होता है, और टाइप आप जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होते हैं वो ऑनलाइन होता है, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा, ठीक है। और जो है आपका हर एक सही आंसर पर एक नंबर आपको मिलता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। फिर से सुनिए कि आपको एक प्रश्न के 1 मार्क्स मिलते हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। पहले हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, यानी जो प्राइमरी लेवल का होता है यानी 1 से 5 तक। यहाँ पर देखिए अगर आप जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी यानी जो आपका बाल विकास होता है और पैडागॉजी होता है वो आपका 30 क्वेश्चन आएगा और 30 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और लैंग्वेज फर्स्ट में जो आपका चाहे तो आप हिंदी चूज करिए या फिर अंग्रेजी चूज करिए तो भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। लैंग्वेज सेकंड में आप चाहे हिंदी चूज करिए इंग्लिश, यानी अगर आपने पहले में हिंदी चूज किया है तो सेकंड में इंग्लिश करिए, पहले में इंग्लिश किया है तो दूसरे में हिंदी करिए, पहले में हिंदी है तो दूसरे में संस्कृत, इस तरीके से दोनों लैंग्वेज अलग अलग होने चाहिए। और लास्ट में आपका जो चौथा है वो मैथमेटिक्स यानी गणित है, गणित भी आपका 30 मार्क्स का आता है, 30 क्वेश्चन रहता है। और एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण जो आपका आता है वो भी 30 नंबर का आता है। अगर इन सबका जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए पढ़ना है, आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सब कुछ पूरा फ्री में वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका जो है पेपर वन की बात कर रहा हूँ जो कि प्राइमरी लेवल का सिलेबस है। और हाँ अगर पास मार्किंग की बात कर लेते हैं तो OBC के लिए 82 लगभग नंबर पास मार्किंग है और जनरल के लिए लगभग 90 नंबर है। अब यहाँ बात कर लेते हैं मेरे मित्र पेपर टू के सिलेबस के बारे में। देखिए जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी है जो उसमें 30 मार्क्स का था वही सेम इसमें भी 30 मार्क्स का आता है, क्वेश्चन लेवल पूरा वही होता है, अगर आपने वो 30 मार्क्स तैयार कर ली तो आपका ये भी तैयार हो जाता है। अब लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड जो उसमें आता है हिंदी लो या फिर इंग्लिश लो या संस्कृत लो, इस तरीके से आपको लेना होता है, फिर उर्दू कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये भी आपका पूरा सेम होता है। फिर यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स और साइंस। अब देखिए जिन्होंने ग्रेजुएशन में आपका जैसे कि BSc किया है वो जो है मैथमेटिक्स और साइंस देंगे, और जिन्होंने BA वगैरह किया है तो वो सोशल स्टडी और सोशल साइंस देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपने साइंस लिया है तो आपका मैथ 30 नंबर का आएगा और साइंस 30 नंबर का आता है, हालांकि इसका जो लेवल है ऊपर होता है, लगभग आपको जो है कक्षा 8 तक एकदम तैयार होना चाहिए मैथ, हालांकि 10 भी मान लीजिए 10 लेवल तक मतलब लेवल 10 तक आता है, ठीक है। तो 60 नंबर आपका ये हो गया, या फिर सोशल स्टडी या सोशल साइंस इस तरीके से आपका सेकंड आता है। और दोनों का पास मार्किंग जनरल के 90 है, OBC का लगभग 82 है, लगभग इतना सब इसी के बीच में, लेकिन आप जो है 100 टारगेट लेके चलिए। और इन सब का जो है आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा, आप 1 महीने की तैयारी में आराम से 100+ स्कोर कर सकते हो, बहुत ही छोटा इसका सिलेबस है, कुछ भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है मेरे मित्र। आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सबसे पहले सबसे सटीक आपको जो है वहाँ पर भेज दिया जाएगा PDF, और आप आराम से 1 महीने की तैयारी में आप पूरा कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।